छोटी सी बात बताता हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, जब मैं हम हापुड़ के रहने वाले हैं, वहां बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो उस जमाने में 1980s, बहुत सारे बच्चे एक साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताते थे। आजकल वो जमाना खत्म हो चुका है। आजकल हर किसी माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों को एबेकस क्लास में डाल दें, डांस सिखा दें, तबला करा दें, लेकिन जो आपस में बच्चे खेल कर सीखते हैं अपने कजन्स के साथ, वो हमारे माँ बाप को लगता है कि नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे नंबर थोड़ी आएंगे, उससे IIT में दाखिला थोड़ी होगा। तो वो सब हटा देते हैं, LM की कोचिंग करा देंगे, है ना। तो वो गर्मियों में जो बच्चे एक साथ मिलकर समय बिताते थे गर्मियां, वो खत्म हो चुका है, एब्सोल्युटली गॉन, वैनिश्ड। एंड आई थिंक फ्यूचर जनरेशन विल रियलाइज दैट इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट वी हैव मेड आवर चिल्ड्रन एंड डिवाइड ऑफ, मतलब हमारे बच्चों से हमको हमने उसको महरूम कर दिया है और छीन लिया है। एक बहुत ही सुपर चीज जो थी बच्चों को मिलती थी, वो छीन ली है। एनीवेज, तब की बात है, आपको याद नहीं पर मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है। आपको याद है कि नहीं याद है, उस समय पानी कम आता था, मतलब नलों में पानी नहीं आता था, है ना। तो 3 बजे रात के अगर पानी आएगा तो उठकर भर लीजिए, तो कौन भरे नहाने का पानी, तो कोई नहीं भरता है। तो सुबह जब नहाने की बारी आती थी तो 9 बच्चे अगर हम लोग थे तो हम लोग एक बाल्टी में 9 बच्चे स्नान कर लेते थे, एक या मैक्सिमम 2 बाल्टी में। कैसे, कोई उत्तर देगा क्यों कर लेते थे? गंदे नहीं रहते थे इसलिए नहीं कि भाई अपना शरीर गंदा रहे, नहाना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, रोज स्नान करना है, लेकिन 2 बाल्टी में 3 बाल्टी में वट एवर सबका स्नान हो जाता था। यू नो वाई? बिकॉज खींच के लाना पड़ता था और पूरा परिवार जो है उसी कम पानी में अपना काम चला लेता, क्योंकि आपको हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ेगा। घर में हैंडपंप है बट खींच के लाना पड़ेगा। अब आपने क्या करा, एक नल खोल दिया और बाल्टियां पे बाल्टियां भरी जा रही हैं और पानी बिखर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट केयर एज ह्यूमन बीइंग्स। वी आर ह्यूमन, एज वी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन इन स्पेसिफिक, बट ह्यूमन बीइंग्स वी आर लेजी। सो इफ यू मेक समथिंग वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, वी स्टार्ट वेस्टिंग। वी डोंट रियलाइज दैट इट टेक्स सो मच एनर्जी टू ब्रिंग दैट वाटर टू आर डोर स्टेप, बट वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज इट हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी ऑफ दिस पोल्यूशन, दिस दैट वट एवर, बाकी जो है इंडस्ट्री, ये सब तो है, बट इंसान बाय लॉ बाय डेफिनेशन इन सम सेंस कन्वीनियंस चाहता है। हम लोग सब कन्वीनियंस चाहते हैं। एक साल में दुनिया में 160 बिलियन कपड़े पैदा होते हैं, पैदा मतलब बनते हैं, 160 बिलियन, कितना हुआ भैया, 1 अरब होता है ना, 1 बिलियन इज 1 अरब। सो 160 अरब कपड़े हर साल हम इस धरती पर पैदा करते हैं। वी मेक 160 बिलियन गारमेंट्स एवरी ईयर, 20 गारमेंट्स फॉर एवरी पर्सन। कपड़ा आखिर आता कहाँ से और जाता कहाँ है, और इतने कपड़े जो हम पहनते हैं, इसका कपड़े का बेसिक पर्पज क्या है? और एक कपड़ा, फॉर इंस्टेंस, एक जीन्स पैंट बनाने के लिए 7,000 लीटर पानी लगता है। एंड जो बाकी सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनकी तो गिनती भी मत करिए। जो हम सिंथेटिक पहनते हैं ना, जो पॉलिएस्टर, पॉली दिस दैट, जिसमें से रेशे निकलते रहते हैं, उसमें जो हालत करिए उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इट इज जस्ट एब्सोल्युटली शॉकिंग हाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर अर्थ। वी डोंट यूज एनी साइंसेज, कोई भी विज्ञान या गणित का इस्तेमाल नहीं करते अपनी जिंदगी में, वो बस स्कूल तक ही रह जाती है। ये नहीं देख पाते कि इसके कारण हम क्या सही में हमें 20 20 20 हर साल 20 कपड़े खरीदने की आवश्यकता है, और इसमें अंडर गारमेंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ टी शर्ट पैंट की ही बात कर रहा हूँ मैं। और अमेरिका में तो 70 है, वही आंकड़ा 70 है, हर साल हर आदमी 70 कपड़े खरीदता है जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड है। सोचिए, is that making us really happy or because we are unhappy we end up doing all a lot of this? I highly 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 recommend all of you should watch Story of Cosmetics. हमें नहीं पता, हम इस हीन भावना से जो ग्रसित हैं इसका हमें भान ही नहीं है। भान मतलब आभास, या you know we do not even realize that we are stuck with this mentality of low self esteem.